हाय दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में मैं YouTube ट्यूटोरियल के ऊपर थोड़ी सी बातें बताऊंगा। और आजकल आपने कई Facebook ग्रुप्स पे देखा होगा कि कई लोग लिखते हैं कि YouTube चैनल मेरा बिकाऊ है और आप इस चैनल को खरीद सकते हैं और इसमें इतने सब्सक्राइबर हैं या इतने घंटे का वॉच टाइम है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा उसको YouTube चैनल को खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आजकल YouTube का इतना ज़्यादा मतलब फैशन हो गया है कि हर कोई चाहता है कि मेरा YouTube चैनल चलने लग जाए और मेरे को उस पर पैसे आने शुरू हो जाएं, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि क्या बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे अपने आप को धोखाधड़ी से बचाना है, और क्योंकि आपने YouTube को नहीं जाना है अंदर से, तो क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए ताकि आप कोई धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाएं। तो मेरी इस YouTube वीडियो को ध्यान से देखें, और इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपने भी देखा होगा कई YouTube जो है उसके फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं और अदर सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हैं, इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल बिकाऊ है और इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने आपको वॉच टाइम मिलेगा और यूट्यूब चैनल आप बैठे बैठाए थोड़े से पैसों में खरीद सकते हैं। और जैसे कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल, मुझे 9 साल लगे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। नंबर एक, यदि आपको कोई इस तरह से कहता है कि मेरा यूट्यूब चैनल बिकाऊ है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको कहना है सबसे पहले कि यूट्यूब जो है डैशबोर्ड, उसका मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए, फोटो खींच के भेजे। वो डैशबोर्ड जो होता है YouTube स्टूडियो में जाने के बाद तभी वो उसकी फोटो खींच पाएगा, क्योंकि मार्केट में कई लोग इस तरह के धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो अनजान लोग हैं, जो भोले भाले हैं, जिनको पता नहीं है YouTube स्टूडियो कैसा दिखता है, वो अपनी जो कमाई है वो गंवा बैठते हैं सिर्फ ये सोचकर कि YouTube अकाउंट सस्ता मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इस तरह आप देख लीजिए YouTube डैशबोर्ड दिखता कैसा है, और उस तरह आप ध्यान से देखिए इसमें आपको YouTube के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं वो भी दिखेगा, और इसका जो है कैसा मतलब कैसा चल रहा है चैनल, कैसी वीडियो 48 घंटे के अंदर, पिछले 48 घंटे में कौन सी वीडियो कैसी चल रही है, या पिछले 28 दिनों में कितने व्यूज हुए इस अकाउंट में, वो सारी डिटेल आपको इस डैशबोर्ड में नजर आएगी। और ये जो अकाउंट का जेन्युइन ऑनर है, जो सही हकदार है, मालिक है, सिर्फ वही उसको दे सकता है। अदरवाइज यदि कोई भी धोखाधड़ी करने वाला किसी के भी YouTube अकाउंट से उसकी होम पेज की फोटो निकाल के और अपने Facebook मैसेंजर के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको भेजना शुरू कर सकता है कि देखिए ये मेरा अकाउंट है, आप खरीद लीजिए, तो आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड की पिक्चर चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पेज, उसको कहना है कि उसकी फोटो भेजे। देखिए इस तरह से वो दिखेगी फोटो, इसमें आपके कितने नंबर ऑफ घंटे हो गए हैं, और जैसे 4000 घंटे चाहिए, और कितने उसके सब्सक्राइबर हैं, तो ये सारा दिखाएगा। और इस पेज पे आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिटी स्ट्राइक क्या होती है, यदि आप कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो जो जैसे कई लोगों के लिए ठीक नहीं है, जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चों के अगेंस्ट कुछ आपने कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर या कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर दी, तो आपके ऊपर स्ट्राइक लग जाएगा अकाउंट के ऊपर। जैसे कोई सेक्सुअल कंटेंट डाल दिया आपने, अश्लील वीडियो डाल दी, तो उसके ऊपर वो डल जाएगा, और उसके बाद वो आपको 3 स्ट्राइक जैसे ही लग गए तो आपका अकाउंट सदा के लिए बंद हो जाएगा। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि उस अकाउंट में कोई भी स्ट्राइक ना लगाओ। ये जो फोटो है,
जो मालिक है YouTube अकाउंट का सिर्फ वही YouTube स्टूडियो से जाकर अपना वो प्रिंट कर सकता है। तो आप ये एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए वो कैसा दिखता है YouTube मोनेटाइजेशन पेज। और इसके अलावा थर्ड आपने क्या करना है, उसकी जो अकाउंट की सिक्योरिटी है उसका स्क्रीनशॉट मंगाना है, अकाउंट की सिक्योरिटी का स्क्रीनशॉट। यानी कि उसमें आपका जो है उसमें आप देख पाएंगे कि वो किस ईमेल के साथ कनेक्टेड है ये अकाउंट, और प्लस उसके साथ टू वे सिक्योरिटी है कि नहीं है। यानी ईमेल आपका कोई भी अकाउंट हैक कर सकता है, उसके साथ अकाउंट के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होता है ताकि यदि आपका ईमेल एड्रेस कहीं किसी ने चोरी कर लिया तो आपको जब तक मैसेज नहीं आएगा तो वो आपके अकाउंट में नहीं जा पाएगा। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखें कि आप सिंपली ये सोचकर कि इसकी प्राइस बहुत सस्ती है, यूट्यूब अकाउंट बड़ा सस्ता है, 2000 का है, 3000 का है, तो मैं फटाफट इसको ले लूं, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आप उसको लेने के लिए क्या करें, यदि आपको ये सारा चीज अच्छी लग गई है कि हाँ जी ये मेरा अकाउंट सब ठीक है, बंदा ठीक लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप क्या क्या स्टेप लें ताकि आपकी जो परचेज है यूट्यूब अकाउंट उसको आप ध्यान से कर सकें। नंबर एक, यूट्यूब अकाउंट को खरीदना कोई गुनाह नहीं है, आप खरीद सकते हैं। और सेकेंडली, आप उसके लिए जो आदमी बेच रहा है उससे वीडियो चैट करें ताकि आप उसको मिला सकें कि हाँ बंदा जेन्युइन है। जो लोग धोखाधड़ी करना चाहते हैं वो कभी भी आपके साथ वीडियो चैट पे नहीं आएंगे, कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो आप उन्हें कहिए कि लाइव वीडियो चैट पे मेरे साथ आ, चाहे वो व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करे, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर पे वीडियो चैट करे, लेकिन ये आपको जरूर चेक कर लेना है। सेकेंडली, आप उसको कहना है कि मैं पेमेंट जो ट्रांसफर करूंगा वो बैंक में ट्रांसफर करूंगा। और नंबर थ्री, आपने उसको कहना है कि अपना आईडी या पासबुक, बैंक के पासबुक, जिस अकाउंट में आपने फंड्स ट्रांसफर करने हैं उसको पेमेंट करनी है, उसकी वो फोटो आपको व्हाट्सएप पे या कहीं उस पे लाइव कॉल पे दिखाए कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा लाइसेंस है, ताकि आपको पता लगे कि वो जेन्युइन आदमी है। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि उसको अकाउंट की थोड़ी सी ही पेमेंट देनी है, यानी एडवांस में उसको 25% 30% इस तरह की पेमेंट देनी है। और तब उसको कहना है कि अपना टू वे जो सिक्योरिटी है जो मोबाइल के साथ है उसको वो ऑफ करे, और उसके बाद वो ईमेल का पासवर्ड आपको बताएगा। जैसे वो ऑफ करेगा तो आप अपना ईमेल अकाउंट चेंज कर सकते हैं और अपना पासवर्ड नया डाल सकते हैं और अपने मोबाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, और इसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस तरह कई लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन जो दिल का सच्चा है, जेन्युइन है, वो जरूर इसको लिए राजी होगा। अदरवाइज जो धोखाधड़ी करने वाला होगा वो आपसे पहले ही सारे पैसे एडवांस में मांगेगा, और यदि उसने आपका, मान लीजिए सिक्योरिटी, टू वे सिक्योरिटी जो मोबाइल के साथ लिंक है वो आपको नहीं बताया, आपको खाली ईमेल अकाउंट बता दिया या पासवर्ड बता दिया, तो चाहे आप ईमेल अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उसके पास मोबाइल उसके अकाउंट के साथ लिंक्ड है तो वो कभी भी उनको कह के, यूट्यूब को कह के दोबारा से अपना जो है ईमेल को रीसेट कर लेगा और आपका अकाउंट उसी का ही रहेगा, आपके नाम पे कभी नहीं आएगा। तो आपको मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है, तो कृपया उससे बचें और पूरी अच्छी तरह जांच लें, और जो जो मैंने फोटोएं बताई हैं किस तरह यूट्यूब स्टूडियो में अकाउंट दिखता है वो चेक कर लीजिए। और लास्टली मैं आपको जाते जाते एक बात कहूंगा कि उसके व्यूअर्स का जो है ज्योग्राफी नॉलेज, यानी वो व्यूअर्स कहाँ के हैं, भारत के हैं, किसी और कंट्री के हैं, मान लो दूसरे कंट्री के हैं जहां की वो वीडियो है और आप उसकी लैंग्वेज की वीडियो डाल ही नहीं सकते, मान लीजिए अमेरिका की वीडियो है और इंग्लिश चैनल लोग देखते हैं तो आप हिंदी वीडियो नहीं डाल पाएंगे, तो इसलिए पहले आप देख लें उसके व्यूअर्स जो हैं वो कहाँ के व्यूअर्स हैं, और उसके बाद
उसने वीडियो किस तरह की डाली हुई है, और उसके अलावा कॉपीराइट उसका कोई स्ट्राइक तो नहीं हुआ, तो कॉपीराइट की भी पिक्चर जो है उससे मंगा सकते हैं। तो जो इस तरह से दिखेगी, जिसमें दिखेगा कि इस पे कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो मेरे ख्याल से आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड बी केयरफुल।